Welcome again. I'm Nurul Hadi, Assistant Professor, Gonamin College of Management Sciences. A bahut hi interesting topic aaj hone ja raha hai, that is elasticity. Elasticity kise kehte hai? Elasticity, dekh main is pin ko, ya dekh ye pin jo hai, isme ye lachak hai. Ye pin thoda tera sa ho raha hai, isme lachak maujood hai. Sahi hai? अगर इसमें ये मतलब ये लचक अगर ये इस तरह डाउन ना हो, इसमें ये कर्व ना बने, तो हम कहेंगे कि इसमें लचक नहीं है. सही है? तो जिस तरह हम किसी स्टिक को इस तरह बेंड करते हैं, जितने उसमें ज़्यादा बेंडनेस आती है तो हम कहते हैं इसमें ज़्यादा लचक है, कम आती है तो हम कहते हैं कि ये गैर लचकदार है. सही है? तो इसी तरह इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी भी इसी को कहते हैं कि जब हम प्राइस में जब हम चेंज लाते हैं तो प्राइस के मुकाबले में आपका डिमांड या सप्लाई कितना चेंज होता है. सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. यानी एक वेरिएबल की वजह से एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसके मुकाबले में दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है. वेरिएबल कोई भी हो सकता है. यूजुअली हम प्राइस के साथ डिमांड लेते हैं, प्राइस के साथ सप्लाई लेते हैं, बट हियर वी विल फोकस ओनली ऑन डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आने से पहले व्हाट इज इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर वेरिएबल. इट इज कॉमनली यूज इन डिमांड एंड सप्लाई. जिस तरह मैंने आपको कहा, एनालिसिस टू असेस हाउ चेंज इज इन प्राइस इन्फ्लुएंस क्वान्टिटी डिमांड आर सप्लाई, के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में या सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है. तो हमारा फोकस किस पर होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर होगा. अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन टाइप हैं. एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहेंगे? कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स इज टू चेंज इन इट्स प्राइस. कह रहे कि क्वांटिटी डिमांड में जो फर्क आता है, जो चेंज आता है प्राइस में चेंज में, तो वो कितना है. यानी प्राइस में मैं एक रुपया चेंज लाता हूँ तो उस एक रुपया का असर क्वांटिटी पर कितना होता है. सही है? दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलास्टिसिटी. एंड यूजुअली वी मेजर इलास्टिसिटी इज दीज रिस्पॉन्सिवनेस इन परसेंटेज. के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उसके मुकाबले में उसका असर क्वांटिटी पर कितना है. क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आया. अच्छा, परसेंटेज का इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ चेंज की बात हम नहीं कर रहे कि कितना चेंज, परसेंटेज चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज. सही है? कि प्राइस में फॉर एग्जांपल मैं 50% का इजाफा करूँ उसके मुकाबले में डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया. सही है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? यानी प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. होप आपको समझ आ गई होगी. अच्छा, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी. अच्छा, कंज्यूमर के इनकम में जितना परसेंट चेंज आए उसके मुकाबले में उसका असर डिमांड के परसेंटेज चेंज पर कितना होता है. यानी फॉर एग्जांपल मेरा इनकम जो है वो 25% इंक्रीज होता है, तो इस 25% इंक्रीज से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सही है? और उसका फार्मूले भी मैंने लिखे, जिस तरह प्राइस का आपको नजर आ गया कि क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी जो है इट्स रिप्रेजेंट द डिमांड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन इनकम. तीसरा हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर एग्जांपल मैं एप्पल का डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ. एप्पल का डिमांड तो अपनी जगह, लेकिन एप्पल के मुकाबले फॉर एग्जांपल एक दूसरा फ्रूट है, वो है बनाना या मैंगो, कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. मैं मेरा जो अंडरस्टडी या ऑब्जर्व डिमांड है वो किसका है, वो एप्पल का है. एप्पल का मैं डिमांड मालूम कर रहा हूँ. अभी दूसरी तरफ जब मैंगो के प्राइस में चेंज आता है तो भी आपके एप्पल के डिमांड में फर्क आएगा. तो देख, मेरा डिमांड किस चीज का मालूम करना है, एप्पल का. लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है मैंगो,
उसके प्राइस में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से भी आपके एप्पल के डिमांड में चेंज आएगा. सो देट इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सही, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सही, तो ये तीन किस्म के हैं. अभी ये इलास्टिसिटी जो है इसको हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसके सेंसिटिविटी को मेजर करेंगे. देख जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि कुछ लचक बहुत बिल्कुल लचक, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसमें बिल्कुल लचक नहीं होता, लचक से लचक नहीं होता से मुराद ये कि वो बिल्कुल चेंज नहीं होता. कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो मामूली से फ़र्क से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, या बिल्कुल एक वेरिएबल में फ़र्क ना भी हो तो उसमें चेंज आ जाता है. सही, तो कानून में हम क्या देखते हैं कि आपके साथ ये सेंसिटिविटी हम मेजर करते हैं. मेजरमेंट के लिए जो फार्मूले मैंने आपको बताए वो आप लोगों ने याद रखने हैं. फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कंसीडर दैट फार्मूला, मैं आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखा दूँ. ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यू शुड कीप दिस फार्मूला इन योर माइंड. ये फार्मूला आप लोग जहन में रख ले और इसी को हम बेस बनाकर हम सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे. अच्छा, सेंसिटिविटी कितनी किस्म की होती है? पांच किस्म की होती है. एक होता है परफेक्ट इलास्टिक और एक होता है परफेक्ट इनइलास्टिक. अच्छा, कानून में ये दो जो हैं मतलब कंसिडर नहीं किए जाते, ज़्यादातर किताबों में आपको ये नहीं मिलेंगे क्योंकि इस तरह मतलब बहुत कम होता है कि एक वेरिएबल में फ़र्क ना और दूसरे में बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है. लेकिन फिलहाल अपने इसको समझने के लिए मतलब आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक होता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, दूसरा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, चौथा है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और पाँचवा है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड. अच्छा, इसके अपने अपने प्रॉपर्टी हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि आप ये बीच वाले तीन जो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, आप कोर्स आपके कोर्स में ये है, लेकिन हम पांचों सीख लेंगे. आते हैं परफेक्ट इलास्टिक की तरफ कि व्हाट इज परफेक्ट इलास्टिक. अच्छा, परफेक्ट इलास्टिक किसे कहते हैं कि अगर मतलब जो दो वेरिएबल है, क्वान्टिटी डिमांड है और एक प्राइस है, अगर मैं प्राइस में चेंज ना भी लाऊँ, अगर प्राइस में चेंज ना भी आए तब भी आपकी क्वान्टिटी में चेंज आए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या होता है, वो उसका आंसर इन्फिनिटी में आता है. अगर आप इसको फार्मूले में डाल लें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि देख क्वांटिटी कितनी है 500 से, प्राइस जो है 50 है और नीचे भी 50 है, प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ गया है 500 से 600 हो गया. अब ये 600 कितना परसेंट है, 100 का कितना 20% चेंज इसमें आ गया, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया 0%. अगर आप इसको फार्मूले में पुट कर ले तो आप एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, इसका आंसर आपको इन्फिनिटी में मिलेगा. तो जब आपको इलास्टिसिटी का डिमांड इन्फिनिटी में मिले, दैट इज कॉल्ड व्हाट, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. सही है. अच्छा, दूसरा और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि इसका लाइन बिल्कुल सीधा होगा इस तरह. सही है, देख क्वांटिटी चेंज हो रही है 500 से 600, एक प्रॉपर्टी ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसका ये एंगल जो है बिल्कुल नहीं बनेगा वन, बिल्कुल सीधा लाइन होगा बिल्कुल. सही है, और प्राइस जो है इसका चेंज होगा लेकिन इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी में आएगा. सो ये पहला सेंसिटिविटी होगा पहला. अच्छा, दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. दूसरा क्या है, इसमें क्या है कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आता है उसका असर क्वांटिटी पर ज्यादा परसेंट, मतलब क्वांटिटी में ज्यादा परसेंट चेंज आएगा. सही, फॉर एग्जांपल आप टेबल को देख ले कि प्राइस अगर मैं 50 से 25% पर ले आऊं तो 50-25 का कितना परसेंट होता है, आधा 50%, तो प्राइस में 50% चेंज आ गया. लेकिन इसके मुकाबले में जो क्वांटिटी में चेंज आएगा वो 50% से ज्यादा होगा. देख एग्जाम्पल को देख ले कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 500 से 1500 तक चला गया. सही है, और इसकी लाइन इस तरह तिरछी से होगी, यानी 45 एंगल से इस तरह ऊपर होगी. ये 45 एंगल, ये बिल्कुल डायगनल जो होता है, ये 45 से इस तरह
थोड़ी ऊपर होगी, सही है, यानी ये इसका ये करीब होगी ऊपर वाली सीधी लाइन की तरफ, सही है, इस तरह, सही है, 45 से ऊपर ऊपर की तरफ ये 45 के बीच में, सही है, आएगी सीधी लाइन तक ये पहुंच सकती है, लेकिन उससे थोड़ी नीचे, क्योंकि जब चेंज नहीं होगा तब ये सीधी बनेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी दो है कि इसका आंसर आपको 1 से ज़्यादा मिलेगा। इस एग्जाम्पल में देख ले, अगर आप इसको पुटिंग कर ले, प्राइस में कितना चेंज आया 50%, लेकिन क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ये 500 से 1500 तक चला गया, यानी इसमें कितना, 1000 को अगर आप 500 पर डिवाइड कर ले तो ये कितना आता है, आप लोग डिवाइड कर ले, तो जब आप इसको फार्मूले में पुट कर लोगे 1000 को 500 पर डिवाइड कर ले, तो 1000 को 500 पर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है। अगर यानी 2 मीन इसका ये जो इजाफा है, ये फार्मूले में मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा दूँ कि आप लोग इस तरह कर ले कि 1500 से 500 में माइनस करता हूँ और डिवाइड करता हूँ उसको 500 पर, यानी 1000 को आप लोग 500 पर डिवाइड कर ले, सही है, तो ये कितना आया, ये 2 आया, यानी अगर आप 2 को डिवाइड कर ले और 50 माइनस 25 को डिवाइड कर ले 25 पर, 25 का फर्क है, 25 को 25 पर डिवाइड कर ले तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, सही है, तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, ये 200 आएगा और ये 100 आएगा, सही, तो अगर आप इसको इसी तरह इस फार्मूले में डाल ले, ये कैलकुलेशन मैंने कर ली, तो आपको आंसर 1 से ज़्यादा मिलेगा, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सही है। फार्मूला अपने साथ दोबारा नोट कर ले कि आप क्वांटिटी जो चेंज आया है इस एग्जांपल में, ये चेंज कितना आया है, चेंज जो है 1000 आया है, और ये 1000 कहाँ से आया है, 500 से आया है, इसको डिवाइड कर ले तो ये 2 आएगा, सही है? इसी तरह परसेंटेज चेंज जो है वो कितना आया है, 250 माइनस 25 तो ये आता है 25, और 25 को आप 25 पर डिवाइड कर ले तो ये 1 आता है, सही है। कैलकुलेशन खैर आप कर ले, आपको आंसर जो है ये क्या मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। स्क्रीन पर तो मैंने इसको 4 कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेट कर ले, जो भी आंसर आता है आप अपने साथ नोट कर ले, लेकिन इसका ये लाइन जो है ये बिल्कुल, यानी 45 तो बिल्कुल डायगनल, ये यूनिटरी आता है, ये इससे इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, सही है। अच्छा, तीसरे पर है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट 1 आएगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो 50 से 25 हो गया और डिमांड जो है वो 500 से 750 पर चला गया। इस एग्जांपल में आप देख ले कि प्राइस में कितना फ़र्क आया, 50%, और क्वांटिटी में कितना फ़र्क आया, वो भी 50%, यानी 500 का 50%, ये 250 होता है, 250 जो है 50% को आप 50% पर डिवाइड कर ले तो आंसर 1 आएगा। और इसका ये लाइन जो है, ग्राफ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा इस तरह, बिल्कुल डायगोनल, ये 45 एंगल पर बनेगा। इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसका आंसर किस में आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। अच्छा, चौथे नंबर पर हमारे पास होता है डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी ये जो है ना, इसका आंसर जो है आपके साथ 1 से कम आएगा। क्या मतलब कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आता है उस परसेंटेज से कम चेंज जो है वो क्वांटिटी पर आएगा, डिमांड पर आएगा, सही है। तो इसका फार्मूला आप पुटिंग कर ले, एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है कि प्राइस 50 से 25 पर चला गया लेकिन डिमांड जो है वो 500 से 600। अब इनको कंपेयर कर ले तो जो प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है वो क्या है, वो ज़्यादा है डिमांड के परसेंटेज चेंज से, यानी डिमांड का परसेंटेज चेंज कम है, प्राइस का ज़्यादा है, तो यू विल गेट आंसर लेस देन 1 से कम आएगा। अच्छा, इसका ये लाइन जो होगा ये 45 एंगल से इस साइड पर होगा, सही है। रिलेटिवली इलास्टिक का 45 पर से इस तरह ऊपर होगा। मैं आप लोगों के देखिए, बिल्कुल डायगनल है ये 45 यूनिटरी, जब इससे ये ऊपर जाएगा तो ये रिलेटिवली इलास्टिक होगा, और ये जब इस 45 से नीचे आएगा तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, सही है। ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि इस डायगनल जो है ये इससे 45 एंगल से कम है।
अच्छा लास्ट में हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर इट इज़ व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में अगर चेंज आ भी जाए क्वांटिटी पर कुछ असर नहीं होगा, यानी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इन इलास्टिक के कोई लचक नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक। और इसका ग्राफ जो इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज जीरो, सही है। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 0%। प्राइस में जितना भी चेंज आया, लेकिन जीरो को आप किस चीज पर डिवाइड कर लो, आपका आंसर जीरो में मिलेगा। और इसका ये लाइन बिल्कुल इस तरह सीधा आएगा, सही है। हर एंगल पर ये क्या होगा, बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, सही है। तो आज हमने इलास्टिसिटी पढ़ी और उसके प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इलास्टिसिटी कितनी टाइप की होती है, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी दोबारा एक मुख्तसर खुलासा देता हूँ आपको, इलास्टिसिटी कहते हैं जब प्राइस में या किसी भी वन वेरिएबल में चेंज आए और उसकी वजह से आपका डिमांड चेंज हो या सप्लाई चेंज हो, सही है। हमने एग्जांपल ली प्राइस इलास्टिसिटी की, फिर हमने उसके टाइप पढ़े कि डिमांड में जो चेंज आता है वो तीन वजूहात से आता है, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से और दूसरे प्रोडक्ट की वजह से। फिर हमने इसके ये सेंसिटिविटी के टाइप पढ़े, पांच टाइप पढ़े, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा, रिलेटिवली इलास्टिक पढ़ा, यूनिटरी इलास्टिक पढ़ा, परफेक्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक पढ़ा और परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई आपकी क्वेरी हो तो आप लोग जो है ना कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारा यूटिलिटी पर होगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कर ले और आगे शेयर भी कर ले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।